बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड CIT 335 एंड एक्सट्रैक्शन। टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, देयर एग्जांपल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के हम एक्सट्रैक्टर जो है वो आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see that what is extraction. Extraction is a unit operation in which we separate the solid or liquid by using a suitable liquid. For this purpose we use equipment which is called extractor. यानी कि हम कह सकते हैं कि extraction एक ऐसा unit operation है जिसमें हम ठोस या माया में मौजूद अज्जा को, components को किसी भी suitable solvent के ज़रिए सेपरेट करते हैं। इस अमल को एक्सट्रैक्शन कहते हैं और इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है वो कहलाता है एक्सट्रैक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्टर यूज होते हैं जिसमें हम कुछ आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स में सेपरेशन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ऑर्स, यानी कि कच दहात से अगर हम गोल्ड को, सोने को अलहदा करते हैं वो एक्सट्रैक्शन के ज़रिए करेंगे। इसके अलावा जो है पौधों में से मेडिसन्स को अलहदा करना, वो भी इसी की एग्जाम्पल है। या फिर पौधों से परफ्यूम को अलहदा करना यानी कि फ्रेगनेंस को अलहदा करना, वो भी एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। नंबर वन इज सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, नंबर वन इज सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन एंड नंबर टू इज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड लीचिंग। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड लीचिंग। ये एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जिसमें मुनासिब यानी कि सुइटेबल सॉल्वेंट को बतौर हम मुहल्लल या फिर सॉल्वेंट यूज करते हैं और किसी सॉलिड सब्सटेंस से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को अलहदा करते हैं। यानी कि इसमें जो हमारे सुइटेबल सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा और सॉलिड सब्सटेंस से किसी यूज़फुल कंपोनेंट को अलहदा करेंगे। और ये जो है लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट्स, इसमें जो है ये एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जिसमें किसी सुइटेबल सॉल्वेंट को हम यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, यानी कि लिक्विड जैसे कि क्रूड ऑयल है, लिक्विड कंपोनेंट्स में किसी यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, गोल्ड को
और में से अलहदा करना, सेपरेशन ऑफ ऑल्ड, सेपरेशन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ऑर्स। या इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, लुब्रिकेशन आयल जो है हमारा, उसको क्या करना, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, गैसोलीन में से सल्फर को अलहदा करना, वेजिटेबल ऑयल्स की इसमें सफाई आ जाएगी, और पेट्रोलियम से टालोइन को अलहदा करना, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम एक्सट्रैक्शन के लिए। लीचिंग जो है फॉर कोर सॉलिड के लिए, अगर हमारा कोर्स यानी कि बड़े सॉलिड्स हों तो उसके लिए ओपन टैंक या फिर ड्रैग क्लासिफायर यूज़ करेंगे, और लीचिंग फॉर इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स सॉलिड्स, यानी कि अगर दरमियाने साइज़ के मटेरियल हो तो उसके लिए फिर हम डिफ्यूज़न बैटरीज, बॉलमैन टाइप एक्सट्रैक्टर या फिर रोटर टाइप एक्सट्रैक्टर यूज़ करेंगे। लीचिंग फॉर फाइन सॉलिड्स, अगर हमारे कंपोनेंट्स बिल्कुल फाइन साइज़ के हों, यानी कि उनका साइज़ जो है मटेरियल का बिल्कुल समाल हो, तो उसके लिए जो है फिर हम इसके लिए यूज़ करेंगे लीचिंग फॉर अ स्मॉल या फिर फाइन साइज कंपोनेंट्स, उसके लिए डॉर एजिटेटर, डॉर थिकनेस, कंटिन्यूस काउंटर डिकेंटेशन सिस्टम्स, इस तरह के हम जो है इसके लिए कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे। यानी कि कोर सॉलिड के लिए, इंटरमीडिएट सॉलिड के लिए या फिर फाइन सॉलिड के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो हैं एक्सट्रैक्टर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास जो है बुक्स में, जो हमारी बुक है उसमें से हम इसको याद करेंगे, और इसके अलावा जो है हम कोल्सन एंड रिचर्डसन की जो है बुक, उसमें से भी टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्टर या एक्सट्रैक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो हम तैयार कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। एक्सट्रैक्शन में जो हमें पता है कि कंपोनेंट्स जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होंगे, सॉलिड एंड लिक्विड्स, उसमें किसी सुइटेबल सॉल्वेंट्स को यूज़ करके हमने कंपोनेंट्स को अलहदा करना है। जबकि डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्रूड ऑयल या फिर कोई भी मिक्सर होगा, उसको हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट उनको हम कंडेंस करके सेपरेट करेंगे। तो पेपर में ये सवाल आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमने लाजमी तैयार करना है, कुछ हम डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो है डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन में, तो एक्सट्रैक्टर के लिए हम किसी भी माय या ठोस अमीदे में हल शुदा अज़ा को किसी भी मुनासिब सॉल्वेंट के ज़रिए अलग कर सकते हैं, जबकि डिस्टिलेशन में हमारा होगा अम्ले कुशीदगी में, यानी कि डिस्टिलेशन में माय अमीदे को बुखारात में तब्दील करके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इसमें हम
फर्स्ट जो डिफरेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड जो होगा, हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे उसे हमें वेपर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि डिस्टिलेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे जो क्रूड ऑयल होगा उसको हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है उसकी डिस्टिलेशन होगी। सेकंड जो है सेकेंड डिफरेंस जो होगा, एक्सेक्शन के लिए हमने कंपोनेंट्स को बॉयल नहीं करना, आम यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी हम एक्सेक्शन करवा के कंपोनेंट्स को सेपरेट करा सकते हैं। जबकि डिस्टिलेशन के लिए हमें पहले कंपोनेंट्स को बॉयल करना पड़ेगा, नियर टू बॉयलिंग पॉइंट जब उसके वेपर्स कन्वर्ट होने लगेंगे फिर हमें उसके जो है डिस्टिलेशन करना होगी, उसके बगैर जो हम डिस्टिलेशन को नहीं कर सकते। थर्ड जो है एक्सेक्शन में जो है हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम भी हो, नो नीड ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, तो भी हमारी एक्सेक्शन हो जाएगी। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होगा तो हमारी एक्सेक्शन नहीं हो सकती। फिफ्थ पे फोर जो है हमारा, इसमें जो है लिक्विड मिक्सर जो है मस्ट भी वोलेटाइल होना चाहिए, जबकि एक्सेक्शन में वोलेटिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा मिक्सर वोलेटाइल नहीं होगा तब भी हमारी एक्सेक्शन हो सकती है, बट डिस्टिलेशन में मिक्सर जो है मस्ट भी वोलेटाइल जो है कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए और उनकी डिफरेंस होनी चाहिए, तब जाके हमारी जो है डिस्टिलेशन होगी। और फिफ्थ जो मेन डिफरेंस है
लास्ट जो डिफरेंस है, इसके लिए जो हम एक्सट्रैक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो होंगे एक्सट्रैक्टर, और डिस्टिलेशन के हमें डिस्टिलेशन कॉलम की ज़रूरत होगी। डिस्टिलेशन कॉलम के बगैर जो हमारी डिस्टिलेशन नहीं हो सकती। ये जो थे डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन होता क्या और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। उसके बाद हमने देखा एक्सट्रैक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक्सट्रैक्शन की टाइप्स टू टाइप्स हैं, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन डेट इज़ आल्सो कॉल लीचिंग एंड सेकेंड इज़ लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसकी उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स देखी, लीचिंग की क्या एग्जांपल्स हैं और एक्सट्रैक्शन की क्या एग्जांपल है। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन देखा कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है और डिस्टिलेशन क्या होता है। एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन के दरमियान जो है ये डिफरेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, कम से कम मिनिमम 5 जो है डिफरेंस वो हमने ज़रूर तैयार करने हैं।